गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 की एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एम इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम माइनस 2, 3 एम माइनस 5, 9 एम, 9 माइनस 5 एम एंड सो। तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें एम की वैल्यू गिवन है 2, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। पुट एम इज इक्वल टू 2। फर्स्ट क्वेश्चन में एम की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, तो एम की जगह हम 2 लिख देंगे और माइनस 2 है और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में एम की वैल्यू हमने फिर 2 पुट करनी है। पुट एम इज इक्वल टू 2, 3 एम की जगह क्या पुट करेंगे, 2 माइनस 5, 6, 3 2 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर पुट करेंगे एम इज इक्वल टू 2। अब आंसर क्या आएगा, 9 माइनस 5, एम की जगह क्या आएगा 2, 5 से मल्टीप्लाई होगा और 9 माइनस 10 आ जाएगा और 9 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करेंगे फोर्थ, इसमें भी एम की वैल्यू पुट करेंगे, एम इज इक्वल टू 2, 3, 2 का स्क्वायर माइनस 2 और एम की वैल्यू फिर 2 पुट करेंगे। जहाँ जहाँ पे एम है वहाँ पे हमने वैसे वैसे एम पुट करना है और आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 2 2 4 माइनस 4 और माइनस 7, 3 4 12 और 7 और 11 दोनों माइनस किया, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का माइनस 11 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट में भी हम एम की वैल्यू पुट करेंगे, एम इज इक्वल टू 2, 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 माइनस 4, तो ये 5 2 10 अपॉन 2 आ जाएगा माइनस, सॉरी 4 है तो 2 से 10 कट जाएगा 5 और 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट हमारा फर्स्ट, ये फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन का और ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसी है, इफ एक्स पी इज इक्वल टू माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें पी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2। तो फर्स्ट पार्ट में 4p+7 पुट करेंगे पी इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2 पुट करेंगे, 4 ये की जगह माइनस 2 पुट करेंगे प्लस 7 और 4 2 8 क्या आ गया माइनस 8 और प्लस 7 प्लस माइनस माइनस और माइनस वाली टर्म बढ़ी है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -1, तो आंसर -1 आ गया। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में पुट करेंगे और पुट करेंगे पी इज इक्वल टू -2, -3 -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस 7 -3 और -2 का स्क्वायर माइनस में दो बार मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव रिजल्ट आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो ये पॉजिटिव का 4 आएगा और -4 2 8 प्लस 7, 3 4 12 माइनस का और -8 प्लस 7 यहाँ पे रिजल्ट
माइनस वन आ जाएगा, 8 में 7 निकाल देंगे माइनस वन आ जाएगा, और लास्ट में फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा और -13 आंसर आ जाएगा। -13 आंसर सेकंड का आ गया। अभी थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट है -2p³। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, p = -2, -2 -2³, -3 -2² +4 -2 +7। अब इसको सॉल्व करेंगे, -2 और -2 का क्यूब माइनस में 3 बार मल्टीप्लाई करने पर, क्यूब करने पर माइनस में रिजल्ट आता है, तो -2 का क्यूब 2 2 4 2 8, -8 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे -3 -2 का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, 2 2 4, फिर प्लस माइनस -8 +7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16 आ गया हमारे पास पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 4 से 12 माइनस का आ गया, और यहाँ पे 8 में 7 गए माइनस का 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 12 निकाल दें तो 4 रह जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया सेकंड के थर्ड पार्ट का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी ऐसी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। अब एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, वैल्यू एक्स की 1 पुट करनी, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 -7। अब 2 में 7 माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस का आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 है, यहाँ पे -1 करेंगे और फिर यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा, और फिर ये -2 आ जाएगा, और आंसर हमारा -5 की जगह -9 आ जाएगा, -9। अब सेकंड पार्ट में भी वैल्यू पुट करनी है, इसकी -1 वैल्यू पुट करनी है, माइनस और एक्स की वैल्यू है -1 +2। अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव का 1 बन जाएगा, और 1 + 2 3 आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट है x² + 2x + 1, इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे एक्स की -1 स्क्वायर +2, फिर एक्स की वैल्यू -1 फिर +1। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, 1 × 1, माइनस माइनस कैंसिल, और -2 और +1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 गए -1 +1 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी वैल्यू पुट करनी है हमने एक्स की, तो -1 का स्क्वायर -1 -2, -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब ये 2 1 2 +1 -2, और ये 2 1 प्लस करके 3 बन गया, 3 - 2 = 1 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा थर्ड कंप्लीट हो गया, और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3 कंप्लीट किए, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।